जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका RCS क्लासेस पे। तो हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं और उसी में दो तक प्रश्न हो चुका है और तीसरा नंबर प्रश्न की हम लोग आज बात करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह वीडियो को देख रहे होंगे और मज़े में होंगे, घर बैठे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि उनका भी फायदा हो सके। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे तीन नंबर प्रश्न का, तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, तीन नंबर प्रश्न में दोस्तों तीन पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट ए बी सी, नाम नहीं दिया है, बस तीन को पॉइंट दिया है, 1.5 दिया है, एक पाँच है, 2.3 है और फिर -2.11, तीन पॉइंट दिया है और कहता है कि आप निर्धारित करके बताइए कि यह संरेख होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, संरेख बताने के लिए पहले हमको एक बात समझना पड़ेगा। संरेख का मतलब होता है कि यह तीनों बिंदु जो दे रखा है वह एक ही बिंदु पे है या ना, एक ही रेखा पे है कि ना। संरेख मतलब समान रेखा पे। जैसे समझिएगा कि संरेख का मतलब आपको यहां पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे समझ लीजिए कि यह बिंदु तीन बिंदु है, तीनों यदि एक ही रेखा पे होगा, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होगा तो उसे हम संरेख कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा अगर तीनों एक ही रेखा पे नहीं होगा, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई पॉइंट है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी कोई ऊपर है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, मान लीजिए सी, तो कभी भी बताइए कि ए बी, अब यहाँ पे अगर एक ही रेखा पे होगा तो क्या होगा, सो समझिए। अगर एक रेखा पे तीनों पॉइंट होगा तो जितना ए बी की दूरी होगा और बी सी की दूरी, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर होगा, जरूर होगा, होगा कि नहीं, इतना और इतना जोड़ेंगे तो इसी के बराबर। लेकिन अगर एक पॉइंट पे नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का होगा, अलग अलग तीन पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो बताइए यदि हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो कभी भी ए सी के बराबर होगा। आपने कल के वीडियो में हमने बताया था कि त्रिभुज का एक गुण होता है, शायद नहीं भी बताए होंगे तो आप समझ जाइए कि त्रिभुज का गुण होता है त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। अब बताइए जब तब अगर इसको जोड़ेंगे इसके बराबर दोनों का योग इससे अधिक होगा, बराबर कभी नहीं आएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो संरेख जब हम कहेंगे, जब यहाँ इतना ए बी का दूरी निकालेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे और फिर शुरू वाला लास्ट वाला लेके ए सी का दूरी निकालेंगे, अगर ए बी के दूरी और बी सी के दूरी को योग के बराबर अगर ए सी के दूरी आ गया दोनों बराबर, तो हम कहेंगे यह बिंदु संरेख होगा अन्यथा नहीं होगा। तो यह ऊपर हम पहले से ही बना रखे हैं, तो आप लोग केवल देख लीजिए क्या कैसे निकालेंगे। देखिए पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो ए बी के दूरी बराबर, देखिए ए बी में हम पहला पॉइंट को एक्स वाई मान लें हैं, दूसरा को एक्स वन वाई वन, तीसरा को एक्स टू वाई टू मान लिया है। तो दूसरे सूत्र में क्या जानते हैं कि पहला का एक्स निर्देशांक माइनस दूसरा का एक्स निर्देशांक, ठीक, फिर दूसरा का वाई माइनस पहला का वाई माइनस दूसरा का वाई, तो क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन और वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन के स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, एक्स का वैल्यू देख लीजिए वन है तो वन रख दीजिए, माइनस एक्स वन का वैल्यू दो है तो दो रख दिए उसका स्क्वायर, फिर वाई का वैल्यू कितना है पाँच तो पाँच, और फिर क्या वाई वन का वैल्यू तीन तो तीन रख दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब देखिए एक में से दो नहीं घटेगा तो उल्टा घटे, दो में से एक तो माइनस एक बचेगा तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस पाँच में से तीन गया तो दो बचेगा तो दो के स्क्वायर, अब एक के स्क्वायर एक होगा, दो के स्क्वायर चार, तक अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा एक का चार पाँच हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा पाँच इकाई। फिर उसी प्रकार से जैसे हम ए बी के निकाले बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, दो माइनस दो एक्स वन की जगह पे दो रख देंगे और एक फॉर्मूला में माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे फिर वाई टू एक्स टू की जगह पे क्या रखेंगे माइनस टू, क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल माइनस आ गया, आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो गया क्यों आया, क्योंकि एक तो फॉर्मूला का माइनस है जो माइनस होता है और एक ऑलरेडी भी माइनस दो में है तो माइनस में लिख देंगे, क्या होगा दो और माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस दो का स्क्वायर। उसी प्रकार से इसमें भी पुट करेंगे वाई एन का वैल्यू कितना है देख लीजिए तीन और माइनस और वाई टू का वैल्यू माइनस ग्यारह, तो ये दोनों जुट जाएगा तो ग्यारह तीन ग्यारह प्लस तीन लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो दो आ दो चार हो गया और ग्यारह तीन चौदह हो गया, तो चार के स्क्वायर चौदह के स्क्वायर चार के स्क्वायर सोलह चौदह के स्क्वायर 196 हो जाएगा, ठीक। दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 212 और 212 के फैक्टर तोड़िएगा तो दो गुने 53 आएगा, तो दो को दो के बदले को बाहर निकाल सकते हैं तो दो रूट 53 लिख सकते हैं, हो गया। अब आगे देखिए, अब हम ए सी को निकाल रहे हैं शुरू और लास्ट वाला को लेकर के, तो क्या लिख सकते हैं ए सी के लिए एक्स माइनस एक्स टू, क्योंकि ई बिंदु में से ई बिंदु को घटाना है तो ई बिंदु में से इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू।
अब वैल्यू पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू वन है माइनस, और एक फार्मूला माइनस हो गया, और एक्स टू का वैल्यू माइनस टू है, तो इसका स्क्वायर प्लस वाई वन, वाई का वैल्यू पांच है और माइनस फार्मूला से, और वाई टू का वैल्यू भी माइनस ग्यारह है, तो लगातार माइनस में अगर दो पॉइंट लिखा जाता है तो एक को ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट दिया जाता है, इसलिए हम ब्रैकेट दे रखे हैं। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो एक प्लस दो का स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस हो जाता है पांच प्लस ग्यारह का स्क्वायर, तो दो एक तीन का स्क्वायर, और प्लस पांच ग्यारह पांच सोलह का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो तीन का स्क्वायर नौ और सोलह का स्क्वायर 256, ठीक, तो क्या हो जाएगा जुड़िएगा तो 265। अब 265 को अगर फैक्टर तोड़ना चाहिएगा तो फैक्टर नहीं टूट रहा है, ठीक है, क्या होगा पांच गुने तिरपन, तो पांच में अगर रूट में अकेला है पांच भी नहीं निकल पाएगा, और रूट में तिरपन है वो भी नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग क्या करें, नहीं निकल पाएगा तो छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों तो ऑलरेडी जुट ही नहीं सकता है रूट पांच, और क्योंकि रूट में जब ही जुटता है, जब रूट वाला रूट में जो संख्या समान हो तब जुटता है उसका गुणांक, लेकिन रूट तो अलग अलग है, यहाँ पे तिरपन है पांच है तो नहीं जुटेगा, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी प्लस बी सी यानी ए बी के दूरी और प्लस बी सी बराबर नहीं है, किसके बराबर, ए सी के बराबर, ठीक, अतः यह तीन बिंदु जो जो दे रखा है ए बी सो भी मान लिए संरेख नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो ए बी और बी सी की दूरी जो है एसी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न चार नंबर की, ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों चार नंबर, और चार नंबर में कहता है प्रश्न में कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, तीन बिंदु दे रखा है एक पांच सॉरी पांच माइनस दो छ चार और सात माइनस दो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। देखिए जांच करना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो आप लोग को एक बात मालूम होगा, और न मालूम है तो जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, सम मतलब समान, भुज मतलब भुजा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे आपको फिगर के रूप में हम बना रखे हैं इस तरह का, तो क्या करेंगे इससे ए बी भुजा निकालेंगे दूरी सूत्र से, यानी दूरी निकालेंगे कितना लंबाई का है, फिर बी सी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, यदि तीनों बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इसीलिए समबाहु त्रिभुज होगा अन्यथा नहीं होगा। देखिए निकालते हैं क्या कर सकते हैं, सो समझ लीजिए, हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं देख लीजिए, पहला को पॉइंट हम लोग अलग मान लें, पहला को मान लिया एक्स वन वाई वन, दूसरा को एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री, तो लिख सकते हैं एक्स वन ए बी ले रहे हैं ना, तो पहले ए बी, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, बोलिए हो सकता है ना। अब वैल्यू लिखिए आप पांच, एक्स वन का वैल्यू कितना है पांच, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स टू का वैल्यू देखिए छ का स्क्वायर, अब प्लस रूट में लिखते रहिएगा, वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस में दो, एक फॉर्मूला माइनस, और वाई टू का वैल्यू चार है, इसका स्क्वायर देखिए क्या होगा, पांच में से छ घटाइए नहीं घटेगा, छ में से पांच घटाइए तो एक बचेगा, लेकिन माइनस में माइनस एक का स्क्वायर और प्लस माइनस दो माइनस चार, समझ लीजिए न भी याद, देखिए अगर कोई चीज आपको न मालूम हो तो उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, मालूम है तो और अच्छी बात है, माइनस माइनस जब दो चीज रहता है तो वह जुट जाता है, चीन माइनस का होता है और काम जोर का होता है, ठीक, तो माइनस दो माइनस चार क्या होगा माइनस छ होगा, ठीक, तो देखिए काम क्या किए, जोर दिए और चीन तो माइनस में के ना दिए और उसका स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक और छह के स्क्वायर छत्तीस, तो रूट अंडर में कितना जाएगा सैंतीस, रूट में इकाई आप लिख सकते हैं क्योंकि कुछ मात्रक नहीं दिया तो यूनिट लेकर के चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब ये तो ए बी निकाले, फिर निकालिए आप बी सी दूरी सूत्र लगा के, तो उसी प्रकार से बी सी अगर निकालना होगा तो हम लोग कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, बी और सी ले रहे हैं ना, तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री करना पड़ेगा और वाई थ्री, तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री का स्क्वायर होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से निकाल लीजिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं, एक्स टू का वैल्यू कितना है छ माइनस, पहले रूट लगा दीजिए छ और माइनस एक्स टू का वैल्यू सात हो गया था इसका स्क्वायर, अब प्लस सॉरी एक्स थ्री का वैल्यू था ठीक ना, वाई टू का वैल्यू चार ठीक है, अब माइनस वाई थ्री का वैल्यू माइनस दो, अब देख लीजिए माइनस और फिर माइनस दो देगा और माइनस दो देंगे ब्रैकेट में,
माइनस में दूं और इसको मिडिल ब्रैकेट से स्क्वायर में घेर दूं। ठीक, आगे देखिए क्या करते हैं, इधर देखिए आप बोर्ड पे, तो हम लोग लिख सकते हैं या 6 में से 7 गया नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा लीजिए 7 में से 6 तो बचेगा माइनस एक इसका स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस, देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो एक स्टेप और कर लीजिए, 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 4 2 6 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और 6 के स्क्वायर 36 क्या आ गया रूट में 37 आ गया। इकाई बोलिए हो गया ना, अब फिर क्या करेंगे, ये तो बीसी निकाले, अब एसी निकाल के देखते हैं, तो एसी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर एसी बराबर आपको लिखना होगा तो ए सी ले रहे हैं पहले ए, तो एक्स वन माइनस एक्स थ्री करना पड़ेगा इसमें से इसको, तो फॉर्मूला पहले अपना मन से लिख लीजिए, एक्स वन माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला इस टाइप का होता है, इसलिए हम लोग अपना मन से लिखते हैं, जो बिंदु आप पहले लीजिएगा पहला के एक्स निर्देशांक में से दूसरा का वाई निर्देशांक घटा दिया जाता है, जैसे पहला का ये बिंदु लिया पहले ए आता सी का दूरी निकाल रहा था पहले एक्स है ना, तो एक्स वन में से हम लोग घटा लेंगे क्या एक्स थ्री को, ये दोनों ले रहा है तो यहाँ पे हम जो मान लेंगे उसी को घटाएंगे। ठीक है ना, टू मान ले थ्री मान ले फोर मान ले कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वन का वैल्यू कितना है 5 माइनस एक्स थ्री का वैल्यू कितना है 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट में रखिएगा इसको, और फिर प्लस वाई वन का वैल्यू देखिए माइनस में 2 है तो माइनस में 2, और माइनस वाई थ्री का वैल्यू देखिए तो वाई थ्री का वैल्यू भी माइनस में 2 है तो एक बार माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, 5 में से 7 को घटाना है नहीं ना घटेगा, तो घटा लीजिए उल्टा, तो 7 में से 5 घटेगा तो माइनस 2 लिख दीजिए का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा ये माइनस 2 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्या होगा, माइनस 2 के स्क्वायर तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 गुने माइनस 2 करेंगे तो 2 दुना 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में 2 प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा कट के 0, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 0, और ये आ जाएगा 4 और 4 के बदला क्या निकलेगा 2। ठीक है, अब यह 2 निकल गया, अब 2 निकल गया, तो देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर आया है बीसी का वैल्यू और बराबर नॉट इक्वल टू क्या ए सी, तो देखिए मिस्टेक से उस समय से हमसे आपको बोला गया था क्या समबाहु, लेकिन समबाहु नहीं समद्वि बाहु कहता है, तो समद्वि बाहु का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर 1 भुजा बराबर ना, तो देखिए 2 को बराबर है कि ना ए बी बी सी के बराबर, लेकिन ए सी के बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर बी सी और बराबर नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए यह एक कौन सा समद्वि बाहु समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज का हम चिन्ह दे दिए हैं, त्रिभुज नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, फिर बात करेंगे अगले प्रश्न। अब बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न और अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, एक आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, और फिगर में इसमें कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिया गया है, आकृति बगल में दिया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और उस कक्षा में चंपा चमेली आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है, चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, चमेली कहती है कि इससे चमेली इससे सहमत नहीं है, तो आप दूरी सूत्र करके प्रयोग करके बताइए कि यह वर्ग होगा कि नहीं। ये देखिए दूरी सूत्र से वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग के मतलब में हम एक ही चीज जानते हैं कि चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, आपस में दोनों विकर्ण भी बराबर होता है, तो हम लोग चारों भुजा की दूरी निकाल लेंगे एक एक करके दूरी सूत्र से और विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे, अगर दोनों आपस में विकर्ण बराबर होगा भुजा बराबर होगा तो कहेंगे कि चंपा सही कही थी नहीं तो गलत। तो देखिए हम दूरी सूत्र के प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर सबसे पहले हमको ए बी की दूरी निकालना हो तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, और एक बात समझ लीजिए ये जो फिगर है ना इसमें आपको पॉइंट नहीं दे रखा है, हम आपको अपना मन से लिखे 3-4 या फिगर से हम लिखे हैं, आप अगर इस फिगर में देखिएगा तो पहले एक्स एक्सिस पे देखिए ए पॉइंट को देखिए आप फिगर में, फिगर को गौर से देखिए ए पॉइंट में क्या है, ए पॉइंट में
जो ए पॉइंट है एक्स में एक्स एक्सिस होता है, देखिए इस तरह का होता है, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस में केकरा सामने है, तो तीन के सामने है, और वाई में चार, तो उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू लिख दिया तीन चार। फिर बी को देखिएगा तो एक्स में छह के सामने, वाई में सात के सामने, तो छह सात लिख दिए। सी को देखिएगा तो एक्स में नौ के सामने, वाई में चार के सामने, तो देखिए नौ चार लिख दिए। और डी को देखिएगा तो एक्स में छह के सामने और वाई में एक के सामने, तो देखिए छः एक लिख दिए। अपना मन से आप भी लिख सकते हैं, और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग उतारेंगे, और पहला को एक्स वन वाई वन, दूसरा को एक्स टू वाई टू, और तीसरा को एक्स थ्री वाई थ्री, और चौथा को एक्स फोर वाई फोर मान लिए। ठीक है, देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके अब आपको एक अंदाजा लग गया होगा, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप अपना से लिख सकते हैं। देखिए अगर हमको ए बी का निकालना होगा तो एकर पॉइंट में से एकर पहले एक्स वाला में से एकर एक्स वाला को घटाना पड़ेगा, यानी हम लिख सकते हैं तीन माइनस छ का होल स्क्वायर। देखिए अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी वाई वन माइनस वाई वाई टू, यहाँ पे वाई वन होगा, ठीक है, यहाँ पे टू लिखेंगे, मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, अब देखिए वाई वन का वैल्यू कितना है, चार माइनस सात, डायरेक्ट लिख सकते हैं चार माइनस सात का स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए आप लोग, तीन में से छ को घटाएंगे तो न घटेगा, तो उल्टा छः में से घटा लीजिए, माइनस में लिख दीजिएगा, तो माइनस तीन का स्क्वायर प्लस सात में से चार घटाएंगे, सॉरी चार में से सात तो न घटेगा, तो सात में से चार घटा के माइनस में लिख देंगे, तो माइनस तीन का स्क्वायर क्या होगा देख लीजिए, तीन का स्क्वायर नौ प्लस नौ यानी आ जाएगा अठारह, और अठारह को हम लोग लिख सकते हैं ना नौ गुने दो, ई आई से देखिए फैक्टर के रूप में लिखना होगा, तो लिख सकते हैं दो गुने तीन गुने तीन, फैक्टर तो लिएगा तो इतना आ जाएगा, दो को तीन के बदला एगो तीन रूट दो हो गया, इतना हम लोग इकाई लिख सकते हैं, इसके बदला में तीन रूट दो इकाई या यूनिट लिख दीजिए, कुछ भी जो आपको लिखना होगा लिख दे। अब फिर हमको एक एक करके ए भी निकालिए, फिर क्या करेंगे इधर देखिए बी सी निकालेंगे, तो बी सी निकालेंगे तो उसी प्रकार से एक अंदाज लग गया होगा कि छ माइनस नौ लिख सकते हैं इसका स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स थ्री, इसमें से इसको घटा के फिर प्लस सात माइनस चार के स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, छ में से नौ घटाइएगा तो माइनस तीन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन समझ में ना आता होगा तो सिंपल आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपके पास छः रुपया है, ठीक है, आप नौ रुपया कर्जा में है, ठीक, माइनस का मतलब कर्जा में, तो अगर कर्जा वाला को आप यह नौ रुपया आपके पास छः है दे दीजिएगा तो तीन रुपया कर्जे में ना बचेगा, कर्जा का मतलब माइनस होता है माइनस तीन, तो माइनस तीन का स्क्वायर और प्लस सात में से चार गया तो तीन का स्क्वायर। अब देखिए जो माइनस तीन का स्क्वायर होगा यह नौ हो जाएगा प्लस में, और तीन का स्क्वायर तो नौ हो गया करेगा। अब अगर दिक्कत होगा कि माइनस तीन के स्क्वायर प्लस में नौ कैसे हो गया, तो एक बात समझिए, माइनस तीन के स्क्वायर कहने का मतलब क्या, माइनस तीन गुने माइनस तीन, ठीक है, ठीक है, तो तीन तीन नौ होगा, माइनस माइनस प्लस होता है कि ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, छोटी सी बात है। अब क्या हो गया नौ नौ अठारह, अठारह को हम लोग लिख ही सकते हैं ना दो रूट तीन, सॉरी तीन रूट दो, क्योंकि अभी देखे हैं आप लिखे हैं यूनिट। फिर इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, बी सी निकल गया, आप निकालेंगे सी डी, तो सी डी निकालना होगा, तो पहला बिंदु सी लिया है ना, तो सी देखिए यहाँ पे तो नौ और माइनस एक कर एक्स, तो छ इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आप प्लस चार माइनस यहाँ वाई का वैल्यू एक कर है एक, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, नौ में से छ गया तो तीन का स्क्वायर और प्लस चार में से एक गया तो तीन के स्क्वायर, तो तीन के स्क्वायर नौ और प्लस नौ कितना हो जाएगा अठारह रूट में, और अठारह के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी तीन रूट दो यूनिट, अभी भी सेम आ गया। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सी डी निकाली है तो ए डी निकालेंगे, या डी ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए डी निकालेंगे तो देखिए ए तो तीन हमें से क्या घटाएंगे छ को, एक्स का वैल्यू इसमें छ है इसका स्क्वायर प्लस चार में से क्या घटाएंगे एक को, क्योंकि इसका वैल्यू है एक, यहाँ पे देख लीजिए वाई फोर का वैल्यू है, क्योंकि इसका वाला वाई में से इसका वाला को वाई घटाएंगे तो इसका वाई का वैल्यू चार है, इसका तीन घटा लेंगे, देखिए क्या होगा तीन में से छः घटाएंगे तो छः तीन रुपया अपना छः रुपया कर्जा, तो तीन रुपया कर्जा में यानी माइनस तीन का स्क्वायर प्लस चार में से एक गया तो तीन का स्क्वायर, माइनस रहे चाहे प्लस में रहे स्क्वायर करने पर प्लस आ जाता है, तीन के स्क्वायर नौ प्लस तीन के स्क्वायर नौ यानी रूट अंडर अठारह, और अठारह को लिख सकते हैं तीन रूट दो यूनिट। ठीक है, तो यह हो गया। अब फिर हम लोग ए डी चार को तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, इतना ही से नहीं चारों तो बराबर आ गया, तो चारों बराबर आ गया तो हम लोग समचतुर्भुज भी हो सकता है,
तो ऐसा नहीं, विकर्ण निकाल के देखेंगे, अगर विकर्ण भी बराबर आ जाएगा तो कहेंगे चंपा सही है। तो विकर्ण निकालने के लिए देखिए इधर, तब तक इसको नोट डाउन अप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे इसको इरेज करके आपको बताते हैं। अभी आप लोग देखें कि भुंजा तो सब बराबर आ गया, अब फिर देखते हैं कि विकर्ण बराबर आता है कि नहीं। तो विकर्ण निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग ए सी, ठीक है, और फिर निकालेंगे बी डी। तो देखिए ए सी निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, ए सी निकालने के लिए यहाँ पे ए सी ए का वैल्यू एक्स वन और एक्स थ्री, तो एक्स वन में से एक्स थ्री को घटाएंगे। ये चीज तो आपको मालूम चल चुका होगा कि कैसे दूरी निकालते हैं, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ए सी की दूरी निकालने के लिए लिख सकते हैं थ्री माइनस नौ, क्योंकि यहाँ पे नौ है ना, नाइन है, तो थ्री माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई वन का वैल्यू क्या है चार और वाई टू का वैल्यू चार, तो चार में से चार इसका स्क्वायर। अब तीन में से नौ घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस छः, तो माइनस छः का स्क्वायर ही तो कट जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, छः का स्क्वायर छत्तीस, और इसके बदला में क्या आ जाएगा छः यूनिट आ जाएगा। फिर हम लोग अगला बीडी निकाल के देखेंगे, ठीक है, कि वो भी बराबर आता है कि नहीं। तो बीडी निकालेंगे तो देखिए बी और डी, तो बीडी निकालेंगे तो देखिए बी में एक्स टू माइनस एक्स फोर फॉर्मूला लिखना होगा तो लिखेंगे, और प्लस एक्स टू माइनस एक्स फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई फोर का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कहेंगे कि गलत था चंपा। तो देखिए हम वो फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको एक अंदाज लग गया होगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो देखिए छ माइनस क्या लिखेंगे छ, तो छ माइनस छ, और फिर सात माइनस एक, सात माइनस एक का स्क्वायर छ में छ गया तो जीरो, और जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो जीरो, सात में से घटेगा तो क्या छ, और छ का स्क्वायर क्या होगा छत्तीस, और छत्तीस के बदला छ। यानी अब हम कह सकते हैं कि चारों भुंजे तो देख चुके हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी था उस समय, तो बराबर है, तथा ए सी और बी डी भी बराबर है, ए सी बराबर है बी डी, तो चूंकि चारों भुंजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग होगा। और जब यह वर्ग होगा तो चंपा भी यही बात ना कही थी कि वर्ग है, यानी क्या चंपा सही थी, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठे होंगे अभी और बैठे बैठे तैयारी कर रहे होंगे, आपको मजा आता होगा, तो अपने दोस्तों को यह बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।